वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को पैरी पौना जी। आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है 2:30 बजे, और 2:30 बजे इसलिए क्योंकि आज मैंने घर का कोई काम नहीं दिखाया। मैंने क्या किया, क्या नाश्ता किया, सफाई की, क्या किया, कुछ नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि आज है माता रानी का जागरण, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स या जो व्यूअर्स जागरण में नहीं जा सकते या दर्शन करना चाहते हैं, माता रानी को बहुत मानते हैं, उनको हम माता रानी के बहुत अच्छे से दर्शन कराएं। और मेरी पूरी कॉपीराइट ना लाए। हाँ यार, एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैंने इतने सारे यूट्यूबर्स की मैं वीडियोस देखती हूँ जिसमें गाने, भजन, कीर्तन, बहुत सारी आवाज आती है मूवीज की, फिल्मी गानों की, उस पर स्ट्राइक नहीं आता। बट अगर मेरे किसी भी वीडियो पे कोई एक आधा गलती से भी बाय चांस, जैसे मैंने ध्यान नहीं दिया, या कोई बैकग्राउंड म्यूजिक में कोई गाना बज रहा है, या मान लो बर्थडे पे किसी का कोई हैप्पी बर्थडे का गाना बज रहा है, तो उस पर स्ट्राइक आ जाता है। यार ये तो गलत बात है, दिस इज नॉट डन। मतलब आप पक्षपात नहीं कर सकते, या तो सबके साथ बैन कीजिए या सबको छूट दीजिए, क्योंकि हम कोई इंटेंशनली गाने ऐड नहीं करें ना। अब हम कहीं व्लॉग बना रहे हैं, पीछे से कोई गाना चल रहा है, कहीं पर कोई म्यूजिक बज रहा है, तो आप कॉपीराइट स्ट्राइक डाल देते हैं, ये तो गलत बात है। अगर है रूल तो सबके लिए हो, वरना किसी के लिए भी नहीं। तो आज मैं जागरण में जो भेंटे वगैरह चलेंगे इनको बंद नहीं कर सकती, बट कॉपीराइट के स्ट्राइक के डर से हम म्यूजिक लगा देंगे। गाइस मैं अभी नीचे आई हूँ तैयारियाँ देखने के लिए कि जागरण की क्या तैयारियाँ हो रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। टेंट वेंट लग गया है, बहुत सुंदर डेकोरेशन हो रही है, और मुझसे वेट नहीं हो रहा कि फटाफट रात को जागरण शुरू हो और हम जाएं। तो अभी जो तैयारियाँ हुई है मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस ये देखिए, यहाँ पे टेंट वेंट लग रहा है, और ये पूरा ऊपर झूमर लगाया गया बहुत ही सुंदर। और यहाँ हमारे घर के बिल्कुल जस्ट नीचे माता रानी का दरबार बनेगा, तो इसलिए वहाँ की एंट्री बंद कर दी गई है, और दरबार के लिए स्टेज की तैयारी हो रही है। और झूमर बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये देखिए, देख रहे हैं कितना रौनक मेले वाली जगह। और यहाँ प्रसाद प्रसाद की तैयारी हो रही है। तो अभी बस इतना ही हुआ है, जो टेंट वगैरह लगाया गया है बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो देखते हैं बाकी शाम तक क्या होता है। और गाइज ये देखिए, अभी मैं ऊपर आई हूँ। ब्रूनो को आज कपड़े थोड़ी देर के लिए उतारे थे, क्योंकि दिन में गर्मी थी काफ़ी, तो काफ़ी मोटे कपड़े वो पहन के रखता है। और अभी इसके नए वाले कपड़े इसको पहनाने लगी हूँ वापस से। मैंने कहा नीचे शायद हो सकता है इसको भी लेकर जाएं। तो ये देखिए कपड़े, एक सेकंड हुआ मैं छोड़कर गई हूँ, और ये उसके साथ कबड्डी लड़ रहा है। देखो ज़रा इसको, आप चल इधर दे, चला पहनाऊ, दे इधर दे जंगली। देखो देखो गुस्सा आ गया, देख रहे हो आप, देखो ज़रा गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया है, कैसा बकरी सा लग रहा है कपड़े उतार के, चुई जैसा है, हड्डियों का ढांचा सुक्का सड़ा, चल प्यारी सी सुक्की सड़ी, और प्यारी सी सुक्की सड़ी। मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ पढ़ाने के लिए, और बच्चे आना शुरू हो गए हैं, लेकिन आज थोड़ा पार्किंग का प्रॉब्लम है, क्योंकि घर के नीचे ही माता रानी का दरबार बन रहा है। तो कोई बात नहीं, इतना तो हम एडजस्ट करेंगे करेंगे, इतना बड़ा जागरण है, एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हम जागरण जाएंगे आज। और बस मैं अभी बच्चों को पढ़ाने जा रही हूँ, तो घर का व्लॉग मैं आज ज़्यादा नहीं बना रही, और वेट हो रहा है कि फटाफट रात हो, मैं बात करूँ और मैसेज ना आए, तो हो ही नहीं सकता। तो मैं अभी जा रही हूँ पढ़ाने, साथ में बनेगी ब्लैक कॉफ़ी। ब्रूनो पिंजरे में चला गया, बहुत ही गुड बॉय है, और मैं आपसे मिलती हूँ शाम को। गाइज मैं पढ़ाकर अभी फ्री हुई हूँ, और मैं जा रही हूँ नीचे देखने के लिए कि जागरण की कितनी तैयारी हो गई है, और बहुत ही अच्छी अच्छी भेंटें सुनाई दे रही हैं दोपहर से, तो देखते हैं क्या क्या तैयारी हो गई और फिर रात का अरेंजमेंट क्या है। गाइज मैं आपको पहले ऊपर से दिखाती हूँ, जो हमारी बालकनी से पूरा दिख रहा है, पूरा टेंट ही टेंट है, और बड़ी लाइटिंग की हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइज, ये टेंट जो है वो पूरा आगे गली तक है, वहाँ पर हलवाई वगैरह वाले बैठे हैं, और यहाँ पर ये जो इतना हाइट पर टेंट लगाया है, यहाँ पर माता रानी का दरबार बना हुआ है नीचे, और ये पूरा गली कवर करते करते पूरा वहाँ तक है। तो देखते हैं, चलिए नीचे चलते हैं। गाइज ये देखिए, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे क्या खेल रहे हो, फ़ोन में लगे हुए हो, लूडो, अच्छा। और यहाँ पर हमारा माता रानी का पूरा दरबार रेडी हो रहा है, ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है, टू गुड। गाइज मैं बाज़ार से सामान वगैरह लेकर आ गई हूँ, और बहुत भूख लगी थी, 10 मिनट नीचे आंटी के साथ गप्पे मारने बैठ गई, और पेट में चूहे नहीं हाथी कूदते, आपको पता है मेरे चूहे वूहे से कुछ काम नहीं होता। तो मैं फटाफट अपने लिए लगा रही हूँ ब्रेड बटर, और बटर कौन सा वाला आ रहा है, मेरा फेवरेट गार्लिक बटर, मुझे बहुत पसंद है, और 10 दिन हो गए मुझे ला के रखे हुए, बट कभी कोई खा नहीं रहा था, तो मैंने कहा अकेले के लिए कौन खोले उसको। तो अभी फाइनली आरव ने मुझे बोला है कि मैं खा लूँगा, आप लगा लो, तो बस 2 ब्रेड उसकी लगा रही हूँ, 2 अपने लिए लगा रही हूँ, ताकि अभी सिर्फ हल्का फुल्का वही चखना वाला काम हो जाए, तो बस वो ब्रेड बटर लग रहा है। और आज पता है डिनर में हम क्या खा रहे हैं, पहली बार आई थिंक मेरे हस्बैंड ने डिनर में खिचड़ी की डिमांड की है, यू वॉन्ट बिलीव, डिनर में खिचड़ी हमारे घर में कभी नहीं बनी, दोपहर को हमने बहुत बार बनाकर खाई है, बट डिनर में कभी नहीं बनाई। तो मैंने कहा आज उनका मूड आ रहा, तो बिल्कुल मैं कुछ नहीं बोलूंगी, अगर मैंने मना कर दिया तो वो खाएंगे नहीं। तो आज खिचड़ी बन रही है, लेकिन बहुत लाइट और बहुत ही मरीजों वाली टाइप की नहीं, मतलब मसाले वसाले मैंने डाले हैं उसमें थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए, ताकि वो अच्छे से खुश होकर खाएं। तो एक तरफ खिचड़ी बनी हुई है, मतलब बन रही है, मैं आपको दिखाती हूँ, भूख लग रही है ना इसलिए, और एक तरफ मैंने ब्रेड सेकी है, देखिए
गाइस ये देखिए यहाँ कुकर में बन रही है खिचड़ी, ये थोड़ा सा पानी गर्म हुआ है और ये मैं अपने लिए सेक रही हूँ ब्रेड बटर लगाकर विद गार्लिक बटर। तो ये है अभी हमारा चखना हल्का फुल्का। 2000 years later. भैया चांदी बजाना खाली नमस्ते नमो नमः माई मेरी सत्या ज्योता वाली माता तेरी सदा। और दर्शन करने का भगवान भोले नाथ के दुर्गा जी का महादेव नीलकंठ की पुजारी एक बड़ी कह दो शंकर भगवान की कहीं सच्चे दरबार की थोड़ा सा हिंदी बोलो। Hold it, come, hold it, come, 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 come